गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर चल रहा था उसी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम वाटर इनसॉल्युबल विटामिन या कह सकते हो फैट सॉल्युबल विटामिन के ऊपर हमने बात किया था। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो आज हम वाटर सॉल्युबल विटामिन पे बात करें तो लिखो वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इसमें खास करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। यहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और क्या होता है विटामिन सी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन प्रेजेंट होता है जिसमें अगर आप देखो तो निश्चित तौर विटामिन बी वन होता है, बी टू होता है, बी थ्री होता है, फिर फोर नहीं होता, फिर बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन होता है, फिर एट नहीं होता, बी नाइन होता है और बी ट्वेल्व होता है। तो कई विटामिन इसमें मिलते हैं और ये जो विटामिन बी वन या कहोगे बी वन, बी टू, बी थ्री, फिर फोर नहीं होगा, फिर बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, एट नहीं होगा, बी नाइन, बी ट्वेल्व, ये इतने विटामिन होते हैं। और यहाँ विटामिन सी अगर यहाँ से देखोगे हम एक एक करके पहले सबकी बातें करते हैं, जैसे हम पहले विटामिन सी के बारे में पढ़ लेते हैं उसके बाद एक एक करके हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन सी या विटामिन सी बहुत लोग पढ़ते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जिसे हम क्या नाम से जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है, ये सोर्स है सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं उस खट्टे फल में ये मिलता है विटामिन सी। इसके अलावा विटामिन सी जो होते हैं वो छोटे छोटे, जैसे खट्टे फल में अगर बात करो तो क्या होगा तुम्हारा आंवला, जिसे इंडियन गूजबेरी के नाम से जानते हैं, है ना, आंवला की यूज कर सकते हो। इसे बोलते क्या इंडियन गूजबेरी। और जिसमें छोटे छोटे सीड होते हैं जैसे मिर्च, गुआवा, जिसमें छोटे छोटे सीड होता है उसमें मिलेगा, ये किसमें मिलेगा गुआवा में, चीनी में, है। तो जहां जिस फ्रूट में क्या होंगे बहुत छोटे छोटे सीड प्रेजेंट होंगे वहां पर तुम्हें विटामिन सी का सोर्स पता चलेगा। तो विटामिन सी का सोर्स एक है सिट्रस फ्रूट, जो वहां पर खट्टे फल के बारे में बात होते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होते हैं सर छोटे छोटे सीड जहां पर होते हैं उसमें आता है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा गुआवा, चीनी, बिंजंग, ये सब जो छोटा छोटा पार्ट है उसमें आ जाएगा। अब विटामिन सी का मेरे पास फंक्शन क्या, बॉडी के अंदर विटामिन सी करता क्या है, तो उनको फंक्शन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का जो फंक्शन होता है वो जनरली हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का काम होता है, कोलेजन सिंथेसिस करने का काम होता है। क्या कहता है कोलेजन सिंथेसिस कहता है। कोलेजन क्या होते हैं, कोलेजन एक फाइबर है जो क्या होता है कि हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, वहां पर ये काम आती है। साथ में ये मेरे बॉडी में क्या करता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। देखा होगा जब कोरोना समय में तुम्हारे पास क्या होगा जब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने, मतलब हमारे कोरोना समय में क्या होता है
कि मेरे पास ज़्यादा इन्फेक्शन रेट फैल रहे थे, तो वो अपन लोग अपने इम्यूनिटी को वेस्ट कर रहे थे। तो इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए लोग विटामिन सी का पिंस दवाई, जो कि क्या होता है एक टॉफी की तरह उसे मुंह में लेकर के चूसने वाला होता है, तो उसे हम लेकर के बहुत से लोग विटामिन सी की दवाइयाँ ले रहे थे कोरोना के समय पर। विटामिन सी के कारण से क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो इसको मिल सकते हैं स्ट्रेंथन ऑफ इम्यून सिस्टम। स्ट्रेंथन ऑफ इम्यून सिस्टम साथ में ये काम आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड, और ये काम करता है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट का तो तुम्हारे पास विटामिन सी में क्या क्या मिला, कोलेजन फाइबर बनाने का काम करेगा, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने का काम करेगा, एमिनो एसिड को एब्जॉर्प्शन कर लेता है ताकि डाइजेशन के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन आसान हो, तो उसमें एमिनो एसिड के एब्जॉर्प्शन करने में इसका यूज आता है, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम लोग विटामिन सी का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम चले आगे, इससे डिफिशेंसी जब होंगे इसके कारण से कौन कौन सी बीमारी होगी उसके बारे में बात करते हैं। इधर आपको हो गया होगा, हम इधर आपके डिफिशेंसी डिजीज के बारे में इससे लिखते हैं। डिफिशेंसी डिजीज में एक डिजीज तो जो बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है डिफिशेंसी डिजीज में एक किसका, विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी, क्या होता है स्कर्वी। स्कर्वी जो क्या होता है कि यहाँ पे जो मेरे पास बिगनिंग गम्स इन के पास से क्या होता है बिगनिंग होता है, तो यहाँ कह सकते हो बिगनिंग इन गम्स। ये क्या कहता था, ये कोलेजन सिंथेसिस करता था, कोलेजन के कारण से क्या होता है कि जो घाव होता है वह जल्दी भर जाता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि घाव जो होगा हमारे शरीर के ऊपर वो जल्दी सही नहीं हो पाएगा। तो जब कभी इन्फेक्ट क्या होता है ना कि कोई आदमी एक्सीडेंट करता है, तो जब कोई आदमी एक्सीडेंट करता है उसके जल्दी घाव भरने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो होता है उसके प्रिकॉशन में जो मेडिसिन लिखता है उस मेडिसिन में किसकी बातें करता है विटामिन सी जरूर डालता है ना। विटामिन सी डालने के कारण से क्या होगा कि उसके बॉडी का जो उंड हीलिंग पावर है, जो घाव को सही करने की क्षमता है, वो जल्दी हो जाएगी और क्या होगा घाव जो बहुत जल्दी भर जाएंगे। तो अगर यहाँ विटामिन सी की कमी होगा तो दिलीर उड हीलिंग होगा, है ना, दिलीर होगा, देश होगा इसमें विटामिन के कारण से, और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर है वो बंगड बनाने काम करता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मुझे बंगड की कमी होगा, आरबीसी की कमी होगी, कोलेजन उसमें भी प्रेजेंट होता है, और वहाँ से क्या हो सकता है एनीमिया डिजीज हो सकता है। तो विटामिन सी की कमी से हमारे पास क्या होंगे अस्कर्वी, अस्कर्वी में क्या होता है बंगडिंग इन गम्स, गम्स के पास से बंगड आना शुरू हो जाता है, उसे बंगडिंग इन गम्स कहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है जो उंड होता है जो घाव होता है उडंग दिया मैं पे उंड है ना, जो घाव होता है वो जल्दी भर जाते हैं वहां से, तो ये आ जाएगा आपके पास। चलिए यहाँ से हम वो बात करें फिर आगे विटामिन बी की, है ना, तो आप विटामिन सी को कॉपी करेंगे उसके बाद हम विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। हो गया, चलो अब बात करो विटामिन बी की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एक एक करके हम बातें करते हैं सबका, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इससे सबसे पहले हम इसका बात करते हैं विटामिन
देखिए एक चीज़ तो ध्यान दो, जितने भी विटामिन है इसका एक कॉमन सोर्स है, ये जनरली इसमें मिलते हैं मिल्क में, दूध में ये मिलता है, अंडे में ये मिलता है, मीट में ये मिलता है, और होम ग्रेन जो पूरा अनाज खाते हैं हम लोग, है ना, जैसे आज हम दलिया खाते हैं, हर दलिया मक्का खाते हैं, भुट्टा जिसको कहते हो, वो सब जो पार्ट हम खाते हैं उसमें हमें विटामिन बी ये कंफर्म है मिलता है। अच्छा, हमें इसके पाउडर नहीं बनाने, हमें अगर जो पूरे के पूरे अनाज जो खाते हैं उस अनाज में विटामिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हमें विटामिन मिल पाता है, लेकिन अगर हम उसको पीस करके खाते हैं तो उससे विटामिन क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसमें हमें क्या कहता है, होम ग्रेन खाने के लिए कहा जाता है, पूरी की पूरी अनाज खाने के लिए कही जाती है ना। तो यहाँ से आ जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, सबसे पहले बात करें विटामिन B1 का। अभी हमने बात किया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, B1 होता है, B2 होता है, B3, फिर इससे क्या होते हैं, 4 नहीं होते हैं, फिर B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, 8 नहीं होता, फिर B9 होता है और B12 होता है ना। तो इतने विटामिन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला विटामिन जो बात कर रहे हैं वो बात है मुझे क्या कर रहे हैं, विटामिन B1 का। और B1 में जो आता है इसका नाम जो होता है वो होता है थायमिन, क्या होता है विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं। इसका सोर्स वही जो ऊपर में हमने लिखा, इसका सोर्स निकलोगे एबव मेंशन क्या हुआ है, ये जो ऊपर में लिखे हमने मिल्क एग और मीट होम ग्रेन ये सब मिलता है ना। इसका जो मेन फंक्शन है विटामिन का वो फंक्शन है इसका जनरली क्या करना, न्यूरोट्रॉपिक मसल्स को, जिस मसल से क्या होता है न्यूरॉन सिस्टम जाता है उससे न्यूरॉन सिस्टम मसल्स को क्या करता है मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ से देखोगे फंक्शन में इट मेंटेन नर्व्स एंड मसल्स, इट मेंटेन नर्व्स एंड मसल्स, और साथ में यहाँ समय क्या होता है कि सर अगर ये जो पूरा न्यूरल सिस्टम और क्या कहता है मेरे मस्कुलर सिस्टम को ये कंट्रोल करने काम करता है, तो अगर यहाँ से क्या हो जाता है तुम्हारा इसकी डिफिशेंसी आ जाती है, विटामिन B1 की कमी है जब आ जाती है, तो विटामिन B1 की कमी से जो पहली बीमारी होती है वो तो बेरी बेरी है ना, क्या होता है बेरी 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 बीमारी जो होता है वो जनरली क्या होते हैं पॉलीन्यूट्राइटिस होता है, जिसमें जो न्यूरॉन सिस्टम होती है वो क्या कहते हैं प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, जिसके कारण से उसकी जो बॉडी के मूवमेंट है ये सब डिस्टर्ब होती है ना, यहाँ से बेरी बेरी हो जाता है, इसे पॉन्गी न्यूट्राइटिस भी बोला जाता है। क्या कहते हैं इसे पॉन्गी न्यूट्राइटिस। इसके द्वारा क्या हो सकता है जो हमारे जो मस्कुलर मूवमेंट है वो रुक सकता है, और जब इसकी कमी होगा मस्कुलर मूवमेंट होगा तो यहाँ पर हार्ट अटैक आने की समस्याएं होगी, इसके हम इसे लिख सकते हैं कार्डियो मस्कुलर एट्रोपी भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर एट्रोपी हो जाएगा ये, यहाँ तो समझ में आ गया। यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास एक और चीज़ आती है कि जहाँ पर नर्वस सिस्टम जब सही से काम नहीं कर रहा होता है, तो नर्वस सिस्टम नहीं काम करने के कारण से क्या होते हैं कि जो ब्रेन का जो पोर्शन होता है वो मंद बुद्धि हो जाता है, मतलब वो सोच नहीं पाता अच्छा से, तो इन सेफेंगो जो वर्ड आता है वह ब्रेन के अंदर आता है, इन सेफेंगो पैथिक्स हो जाता है ना, यहाँ से इंसेफेंगोपैथी हो जाता है, इसे बर्निक्स ऑफ इंसेफेंगोपैथी भी कहते हैं। तो जनरली इंसेफेंगोपैथी क्या आ जाता है जहाँ पर क्या होते हैं ब्रेन में जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वह थिंकिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है कम जाता है, किसके कारण से विटामिन B1 के डिफिशेंसी के कारण से। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उनके विटामिन B2 कॉपी करूंगा आप इसको, उसके बाद विटामिन B2 के बारे में जाने। इसका जो नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, क्या होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो विटामिन होता है यहाँ से इसको एक और नाम के रूप से जानते हैं, राइबोफ्लेविन को हम एंजाइम भी बोलते हैं,
इसका वही सोर्स है, हाँ ना, जो ऊपर मेंशन क्या हुआ है, एवब मेंशन एवब जो भी हमने ऊपर लिखा मिंक एग मिट या फिर मेरे पास होम ग्रेन, वो सब में क्या होते हैं विटामिन बी टू भी प्रेजेंट होता है। और इसकी जो काम होता है ना मेन रूप से वो एक एंजाइमेटिक रूप में काम आता है, जिसके कारण से एमो एंजाइम कहते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है एफ ए डी एफ एम एन माई को एंजाइम की तरह ये वर्क करता है। आपको को एंजाइम पढ़ाया गया था, को एंजाइम में हम लोग क्या कहते थे, जेनरली एंजाइम जो होता था वो प्रोटीन का होता था, उस एंजाइम में जब हम कोई विटामिन ऐड कर देते थे तो वो क्या हो जाता था, को एंजाइम। तो इस को एंजाइम में काम करता है, और इसके बाद ये क्या करता है, जनरली ये म्यूकस ग्लैंड को मेंटेन करने का काम करता है जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब तुम सकते हो मेंटेन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना, मेंटेन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या कहता है, एफ ए डी एम एन एफ एम एन, ये सब क्या होते हैं, को एंजाइम की तरह बिहेव करता है। और ये क्या कहता है, मेंटेन करने का काम करता है स्किन और तुम्हारे पास क्या म्यूकस मेम्ब्रेन। विटामिन बी टू की जो डिफिशियंसी होती है, विटामिन बी टू की डिफिशियंसी के कारण से जो बीमारी होता है उसे चंगलियोसिस कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, चंगलियोसिस। चंगलियोसिस क्या होता है, चंगलियोसिस जो होता है ये जो यंग पोर्शन जो बचपन में जब छोटा सा बच्चा रहता है ये वो जो पोर्शन होता है जो लिप्स के दोनों साइड होते हैं, ये साइड क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, फट जाता है, वहां से क्या होते हैं ब्लीडिंग आने शुरू हो जाते हैं। तो रप्चर एंड ब्लीडिंग ऑफ एंड्स ऑफ लिप, इंड्स ऑफ निप्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, जो टंग होता है वह टंग भी क्या होता है, किस तरह ये सूखापन हो जाता है, ड्राई हो जाता है, फटने लगता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, गोस्टेसिस, है ना, गोस्टेसिस, है ना, टंग फर्र हो जाता है। विटामिन बी टू की कमी से क्या होते हैं, टंग सूखा पड़ जाता है, उसके ऊपर फटने लगते हैं टंग, तो वो गैंगोस्टोसिस कहा जाता है। एक होता है, एक और इसका नाम होता है कैरेक्टिस, है ना, कैरेक्टिटिस ड्राई की तरह ये होने लगता है, कैराटीन की तरह दिखने लगता है, फाइबर्स दिखने लगता है, इस कारण से कैरेक्टिटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कैरेक्टिटिस कहा जाता है। कोई दिक्कत है आपको समझ में आ गया, तो आप इसे उतारे, उसके बाद हम आगे चलते हैं विटामिन बी थ्री को, है ना। तो विटामिन बी वन हमने आपको समझाया, विटामिन बी टू समझाया, और आप हम आगे बात करेंगे विटामिन बी थ्री का। तो पहले आप इसे कॉपी करूँ, देखिए नेक्स्ट विटामिन बी थ्री, जिसका कॉमन नेम है नियासिन। सोर्स तो वही होगा जो हमने सारे विटामिन के बारे में पढ़ा, वही सोर्स इसका भी होगा, है ना। इसमें भी क्या होंगे कि अंडे, मिल्क, दूध, है ना, ये सारे चीजों में ये भी मिलेंगे। इसका तो हम एक और नाम जानते हैं, उसे हम बोलते हैं पीपी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे, पीपी फैक्टर इसमें कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो क्या होता है, फंक्शन जो होता है मेरे से, ये फंक्शन क्या कहते हैं, एनएटी एनएडीपी एटीपी, ये सब फॉर्मेशन करने में इसको हेल्प आता है। ये एनएडी एनएडीपी ये सब जो होता है ये को एंजाइम की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ से क्या होता है, बिहेव समायिक को एंजाइम्स, है ना, ये किसकी तरह बिहेव करता है, को एंजाइम की तरह काम करता है। इससे डिफिशेंसी से, इसके कमी से जो बीमारियाँ होती है
डिफिशेंसी डिजिट इसके जो डिफिशेंसी डिजिट होते हैं इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल आती है पेमिग्रा का, इसके बाद डायरिया इससे हो जाता है, डर्मेशिया हो जाता है इससे, स्किन इस पर ड्राई स्किन हो जाते हैं डर्मेशिया जिसे ड्राई स्किन स्किन कहा जाता है ना, कहा जाता है डायरिया डर्मेशिया पेमिग्रा, और इसके पास कुछ अगर आएंगे तो आगे डिमेंशिया कहा जाता है ना, क्या तो डिमेंशिया। ये सारी जो बीमारियां होती है और बीमारियां विटामिन बी थ्री की कमी के कारण से हमारे बॉडी में होता है। तो आगे हमने यहाँ से बात किया विटामिन बी थ्री के बारे में, आप इसे कॉपी करिए, हम उसके बाद चलते हैं विटामिन बी फाइव में। विटामिन बी फाइव इसे बनाता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड इसका भी सोर्स वही है जो हमारे पास था, है ना। इसकी जो फंक्शन होती है वो तो एक्ट एज कोएंजाइम ए, जब हम डिस्पायसन करते हैं तो डिस्पायसन के समय पर मुझे कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है, कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ती है, तो उस जगह कोएंजाइम ए बनाने का जो काम होता है वह विटामिन बी फाइव का ही काम होता है, और ये साथ साथ में क्या करता है एड्रेनल ग्लैंड को मेंटेन करने का काम करता है, यह हम करता है, तो इट मेंटेन फंक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को मेंटेन करने का आता है, इसके द्वारा क्या होता है कि मुझे जो इसकी डिफिशेंसी के कारण से जो बीमारियां आती है इसका डिफिशेंसी डिजीज जो है उसे कहा जाता है बर्निंग फिट सिंड्रोम, है ना। बर्निंग फिट सिंड्रोम क्या होता है, जो पैर के तंगवे होते हैं वो तंगवे जंगन होने लगती है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, तंगवे में जंगन, ये हाथ वाला जो रीजन होता है पैर वाला जो रीजन होता है उसके तंगवे में क्या होता है बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसे कहा जाता है क्या, तुम्हें कहा जाता है बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग फिट सिंड्रोम इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी मेरा वीक पड़ जाती है, और वीक पड़ने के कारण से मेरे पास क्या होते हैं कि जो कोएंजाइम ए की तरफ बढ़ता है और रिस्पायरेशन प्रॉपर रिस्पायरेशन नहीं हो पाती है, और प्रॉपर रिस्पायरेशन नहीं होने के कारण से बॉडी में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के कारण से हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं क्या, बर्निंग फिट सिंड्रोम। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन बी सिक्स, इसे हम पैराडॉक्सिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे पैराडॉक्सिन। तो देखो जितना भी विटामिन हमने पढ़ाया है सबका कॉमन नेम हमने लिखाया है ना, तो आप सारे के सारे कॉमन नेम को आप याद करके चलें तो ये आपको काम में आएगा, तो जितने भी हमने लिखाया सबका सब काम में आएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो है न्यूरोट्रॉफिक, न्यूरल सिस्टम को काम करता है, न्यूरोट्रॉफिक विटामिन होता है, जैसे ऐसा भी बोला जाता है कि एमिनो एसिड सिंथेसिस करने में ये हम करता है ना, क्या करता है एमिनो एसिड देखे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, देखो सिंपल समझोगे विटामिन बी सिक्स जिसको हम क्या कहते हैं पैराडॉक्सिन, और ये क्या करता है एक तरीके का न्यूरोट्रॉपिक विटामिन है, न्यूरोट्रॉपिक विटामिन जो क्या करता है हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे न्यूरॉन को कंट्रोल करने का काम करता है, उसे न्यूरोट्रॉपिक विटामिन कहते हैं, और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड में भी, तो एमिनो एसिड बनाने का काम करता है, एमिनो एसिड फॉर्मेशन में काम आते हैं बच्चों, तो है ना, यहाँ से क्या है एमिनो एसिड फॉर्मेशन का काम करेगा। एमिनो एसिड फॉर्मेशन में यहाँ पर जनरली देखा जाए तो इसके डिफिशियंसी जो होते हैं, ये तो फंक्शन हो गया इसका, इसका जो डिफिशियंसी डिजीज है
डेफिशिएंसी डिजीज होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस सुबह सुबह क्या होता है कि जी मिचलाना, चक्कर आना, वोमिटिंग, जैसे खास करके देखो जो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं, है ना, जो प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं उन्हें क्या होता है सुबह सुबह जैसे उठते हैं तो उनको क्या होता है उनके उनको लगता है कि वोमिटिंग होगा, बट होता नहीं है, ऐसा फील आता है कि वोमिटिंग होगा और उनको थोड़ा हंका फंका चक्कर आने लगता है। तो वैसे जो बीमारी जब सुबह से उठते हैं और सुबह से उठते के साथ वोमिटिंग की तरह लगे और उसमें चक्कर आना शुरू हो जाए तो वो विटामिन B6 की कमी होता है। इसमें ये जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल होती है उस प्रेग्नेंट फीमेल को क्या किया जाता है शुरू से ही उसे विटामिन B6 का पिल्स दिया जाता है ताकि ऐसी प्रॉब्लम उनको ना आए, मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्याएँ ना आए, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ऐसी चीज़ें होती है विटामिन B6 की उनके बॉडी में कमी होती है और विटामिन B6 की कमी के कारण से उनका मॉर्निंग उठते ही क्या होता है वोमिटिंग जैसा आता है। अच्छा, जैसे आपने सीरियम उरियम में देखा होगा, है ना, जब सीरियम मूवी में ऐसा देखा होगा तो एक प्रेग्नेंट का रॉन्ग जब दिखाना होगा तो जैसे दिखाते क्या वोमिटिंग करना शुरू करती है, तो जैसे वोमिटिंग करना शुरू करते तो वो लग जाता है कि क्या खुशखबरी आने वाली है ना। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो एक मॉर्निंग सिकनेस की तरह उसको दिखाया जाता है ताकि पहचान होती है वो फीमेल में क्या प्रेगनेंसी हुई है। तो ये चीज़ें तुम्हारा क्या होता है ऐसा आता है, ये हर बार आ जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, है ना। तो यहाँ लिखेंगे नौसिया, नौसिया मतलब चक्कर एंड फीलिंग वोमिटिंग लाइक वोमिटिंग इन अर्ली मॉर्निंग, इन अर्ली मॉर्निंग जो सुबह सुबह आता है उसमें इसको देखते हो, तो आपको विटामिन B6 भी हो गया। अब हम विटामिन B7 के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है एंटी एविडिन या इसे विटामिन H के नाम से भी जानते हैं या बायोटिन, है ना, इसे विटामिन H भी कहते हैं या इसे बायोटिन भी कहते हैं। तो मेन नाम इसका बायोटिन है। एंटी एविडिन में देखो क्या होता है कि जब तुम्हें कहा जाता है ऐसा कि कच्चे अंडे को बहुत लोग होते हैं जब देखो दुकान पर जाते हैं, अंडे के दुकान पर जाते हैं, वहाँ अंडा फोड़ते हैं, मसाला में डालते हैं, पी जाते हैं, तो कभी भी कच्चे अंडे नहीं खाना चाहिए क्योंकि कच्चे अंडे में क्या होता है एंटी एविडिन होता है और ये एंटी एविडिन जो होता है विटामिन B7 के अब्जॉर्प्शन को रोक देती है, मतलब वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, विटामिन B7 अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो उसे एंटी एविडिन के कारण से, क्योंकि एंटी एविडिन क्या होते हैं प्रोटीन जो होते हैं बॉडी के एक के अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ पर होता है। इसका भी सोर्स तो वही होगा जो हमने पीछे पढ़ा था, ये क्या कहता है कि जनरली हमारे बॉडी में विटामिन B7 का जो फंक्शन है ये फंक्शन जो है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है लिपिड को मेटाबोलाइज करने का काम करता है और साथ में ये क्या होता है ग्रोथ फैक्टर होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं ये लिपिड जब डाइजेस्ट होते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलता है, तो ये हम पर इसको कहते हैं एच ग्रोथ फैक्टर में भी इसका काम होता है, एच ग्रोथ फैक्टर। इसके अलावा आप यहाँ पर कर सकते हो कि ये हीमोलाइसिस करने का काम करता है, तो देखें तो इसका फंक्शन क्या होगा विटामिन B7 का एंटी एविडिन क्या होगा एंटी एविडिन, इसी विटामिन का नाम क्या है तुम्हारा विटामिन H2 को कहते हैं या इसे बायोटिन कहा जाता है, इसका फंक्शन है लिपिड का मेटाबोलाइज करना बॉडी के अंदर, लिपिड को डाइजेस्ट करना बॉडी के अंदर, और लिपिड जब डाइजेस्ट होगा तो ये देखो हमारे स्किन के नीचे जो ये लिपिड है जिसके कारण से ये स्किन क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं मॉइस्ट होते हैं, अगर इसकी कमी हो जाती है डिफिशियंसी के कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है ये ड्राई स्किनी स्किन बन जाता है ना, स्किन ड्राई होने लगते हैं और वहाँ से वो फटना शुरू हो जाता है ना, तो स्किन लिप्स ये सब क्या होते हैं या फटने शुरू हो जाते हैं तो ड्राई स्किनी लिप्स कहा जाता है इसको या ड्राई स्किनी स्किन कहा जाता है इसे, तो यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा इसमें जो और भी आता है वो जनरली मेरे पास क्या होते हैं डर्मेटाइटिस, इसी बीमारी को कहते हैं डर्मेटाइटिस, इसे कह सकते हैं
बनेगी। आपने देखा विटामिन B7, आप इसे भी कॉपी करें। उसके बाद विटामिन एट तो होता नहीं, तो पहले क्या होता है विटामिन B1, फिर क्या होते हैं B2, फिर क्या होते हैं B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7 यहाँ तक हुआ, B8 नहीं होता। अब हम बातें करेंगे विटामिन B9 का, विटामिन B9 का तो आप कॉपी करें। उसके बाद विटामिन B9 पर बात करेंगे। विटामिन बी नाइन का जो नाम है वह है मेरे पास फॉलिक एसिड, ऐसे विटामिन एम के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो क्या नाम है इसका, फॉलिक एसिड, ऐसे विटामिन एम भी कहा जाता है। इसका भी सोर्स वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, सारे सोर्स वही होते हैं। इसके जो फंक्शन होता है वो फंक्शन जनरली होता है हीमोलाइसिस। अगर एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन बन जाता है तो इस हीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए ये काम आता है। तो क्या आता है, हीमोलाइसिस में ये काम आते हैं, हीमोग्लोबिन को तोड़ने में काम आता है। साथ में यहाँ पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम जो खास करके एम्ब्रियोम होता है ना, जो बच्चे अपने मदर बॉडी में तैयार हो जाते हैं उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर न्यूरोन का डेवलप करना, ये मेरे पास क्या कहा जाता है, ये मेरे पास इसकी काम होती, कहा नहीं जाता विटामिन B9 का काम होता है। तो आप यहां सुन सकते हो फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन स्ट्रक्चर या स्पाइनल कॉर्ड इन इम्ब्रियो, है ना। फॉर्मेशन क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड इन इम्ब्रियो, इसके अंदर सकते हैं क्या होता है, बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट जो होता है ये इसी विटामिन के कारण से होता है। इस ये विटामिन उसे हेल्प करते हैं बनाने में, कौन, विटामिन B9। इसमें ये विटामिन B9 भी प्रेग्नेंट फीमेल को क्या किया जाता है, उनको दिया जाता है, ताकि विटामिन B9 के द्वारा उनके उनके बॉडी में जो पंगड़ है बच्चे हैं उनका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाए। अगर स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है तब जी जाकर के उसके थिंकिंग कैपेसिटी आता है, नहीं तो बच्चा क्या होता है किसी भी तरीके का मूवमेंट शो नहीं करता है ना। किसी तरीके का मूवमेंट शो करने का मतलब है, जिस सेंसेशन शो करने का मतलब, जैसे बच्चा अगर 3 महीना 4 महीने का होता है तो अपना नेक संभालने लगता, अपना गर्दन संभालने लगता है ना। अगर 6-3 महीना से नीचे का है तो उसका गर्दन बहुत मुझ पुछ होता है ऐसे, तो उसको गोद में हो तो पता चला गर्दन ऐसे हो गए, है ना। तो गर्दन उसका क्या होता है, बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन जब 3 महीने 4 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, तो वो अपना अच्छी दिखाने लगता है कि भाई हमारा गर्दन खराब हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बैठना शुरू कर देता है, है ना, एक शाम में। फिर उसके बाद टीथ आने शुरू हो जाते हैं, वो चलना एक शाम के अंदर वो चलना शुरू कर देता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो होते हैं बच्चों में दिखते रहते हैं। लेकिन जब ये डिफिशेंसी जब आती है, विटामिन B9 की जब डिफिशेंसी होती है, तो ये सारे सिम्टम वहाँ पर बच्चों में होना बंद हो जाता है ना। यहाँ पर होना क्या हो जाएगा, होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे ये क्या करता है, स्पाइन बाइफिडा, ये जो बच्चों में एक बीमारी होती है स्पाइन बाइफिडा, स्पाइन बाइफिडा इसके कारण से होता है। और साथ में यहाँ पर क्या हुआ था, हीमोलाइसिस हुआ था। हीमोलाइसिस होने के कारण से जब एक्सेस हीमोलाइसिस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हें एक एनीमिया हो जाएगा, जिसका नाम कहते हैं माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, है ना। क्या कहते हैं इसे, माइक्रोसिस्टिक सिवाई STIC, सिस्टिक एनीमिया, यहाँ पर भी एक एनीमिया डिजीज होती है क्योंकि हीमोलाइसिस होने का काम होता है उसके कारण। अगर इसके अलावा इसमें देखोगे, इसके अलावा यहाँ से देखें तो ये क्या कहता है, एक और इसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ ओरम एंड GIT। GIT में तो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यहाँ पर होता है फंक्शन में होंगे मेंटेनेंस ऑफ ओरम एंड GIT। GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब क्या कहता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने का काम होता है। जब इसकी डिफिशेंसी हो जाती है तो डिफिशेंसी के कारण से इसमें अल्सर, मतलब स्टोमाइक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर क्या होने लगती है, उंड की तरह होने लगता है, घाव की तरह होने लगता है, उसे हम बोलते हैं अल्सर डिजीज। तो ये अल्सर उसमें होने लगता है, है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, आप यहाँ तक पढ़ेंगे, आप इसको कॉपी करें। उसके लास्ट हम चाहते हैं विटामिन B12 के बारे में, विटामिन B12 तो कॉपी करो इसको। हो गया, विटामिन B7
ये जनरली क्या होते हैं, मिंक में मिलते हैं, लिवर में मिलता है, एग में मिलता है, वही सोर्स होता है, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा लिवर होता है। तो यहाँ पर सोर्स अच्छा, इसका नाम क्या होता है, साइनोकोबामिन। ये कोबाम के एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। ये क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कास्टम इंट्रिंसिक फैक्टर रूप में बिहेव करता है, जिसमें क्या होते हैं, जो कोबाम्ट होते हैं, यह कोबाम्ट क्या कहता है, विटामिन विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ना, विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और इसका मेन काम है सर, इसका जो फंक्शन है वह है मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को बनाने में यह काम आता है, मैच्योर करने में आता है। इसके बाद यह क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन ऑनली कैल्शियम इंट्रिंसिक फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है, जो कैल्शियम इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसको एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन में हम कहते हैं, समझेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इंट्रिंसिक फैक्टर इसके डिफिशियंसी जो बीमारी होती है वो क्या हुआ, आरबीसी की मैच्योरिटी अगर डिफिशियंसी होगा तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएंगे, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पर जो बीमारी होगी उसे कहेंगे पर्निशियस एनीमिया, है ना। यहाँ से डिफिशियंसी मशहूर पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया एक बीमारी होती है ना, जो जनरली हमारे पास क्या होता है, आरबीसी विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण। तो हमने लगभग आज सारे विटामिन के बारे में बात किया। एक और विटामिन है जो नए विटामिन अभी हम लोग का डिस्कवर हुआ है, है ना, मतलब अभी नहीं, बहुत दिन पहले हुआ, ऐसा नहीं कि हमको पढ़ाते पढ़ाते डिस्कवर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, बहुत पहले, बट हमारे यूज में उतने नहीं है, हमारे सिलेबस में उतना नहीं है, इस कारण से उस विटामिन के बारे में उतना हम लोग पढ़ते नहीं, बट अगर है तो आप लिख लें, काम आएगा ये, है ना। तो विटामिन बी सेवेंटी, विटामिन बी सेवेंटी से लैक्टेराइट कहा जाता है, क्योंकि ये लैक्टोज से ज़्यादा मिलते हैं, मतलब दूध में ज़्यादा मिलता है, इसमें से क्या कहते हैं, लैक्टेराइट बोलते हैं, है ना। तो विटामिन बी सेवेंटी जो होता है वो जनरली मिल्क में मिलता है, और मिल्क में मिलने के कारण से इसे क्या कहते हैं, लैक्टेराइट के रूप में कहते हैं। और इसका जो मेन काम होता है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होता है ना, क्या होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होता है। इसके पास ये कैंसर से बचाने के लिए काम किया जाता है। इसका जो सोर्स है वो सोर्स जनरली व्हीट ग्रास, है ना, व्हीट ग्रास है, बीटर आलमंड है, और तुम्हारे पिच है, बादाम जो होता है उसे कहते हैं बीटर आलमंड, और यहाँ पर पिच, है ना, ये पिच है। इसके बाद क्या होता है, बस इतना रहेगा। अच्छा, आप व्हीट ग्रास देखिए, व्हीट ग्रास जनरली आप अगर योगा करने, अगर देखो बहुत से शहरों में ऐसा होता है कि जब वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो वहाँ पर बीच बीच में क्या होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो जूस बेच होते हैं, जिसमें कुछ घास रहती है, नीम का लीफ रहता है, करेला रहता है, और कई तरीके का वेजिटेबल्स या ये सब जो ग्रेन होते हैं वो सबको मिला करके क्या करता है, वहाँ पर एक जूस बना करके बेचता है। उस जूस से क्या होते हैं कि हमारे पास बॉडी में बहुत सारे तरीके के फायदे होते हैं, वहाँ से क्या होते हैं जो कैंसर से बचने के लिए लोग इसका यूज करते हैं। तो बॉडी की पूरी मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, तंदुरुस्त रखने का काम करता है क्या, व्हीट ग्रास। तो ये सब क्या होते हैं कि जब हम लोग सुबह रनिंग करने जाते हैं, तो रनिंग करने जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये सब जूसेस पीने के कारण से बॉडी फिट रहती है। तो ये विटामिन बी सेवेंटीन। तो लगभग हमने आज क्या किया, विटामिन की सारी क्लासेस खत्म किए, जो भी विटामिन था इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था, विटामिन जो वाटर इंसोलिबल में था, जो फैट में सोलुबल विटामिन था उसके बारे में हमने बातें किया। आज की क्लास में हमने बातें किया वो विटामिन जो वाटर सोलुबल विटामिन होता है, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बातें किए हमने, बी वन बी टू बी थ्री, उसके बाद बी फोर नहीं, बी फाइव बी सिक्स से बी सेवन एट नहीं नाइन और ट्वेल्व। इसके अलावा हमने बातें किया विटामिन बी सेवनटीन, और हमने आज की क्लास में क्या किए सारे विटामिन के बारे में। तो आपको यह ध्यान है कि आपने क्या किया, जो भी आप पढ़े, अगर जितने भी पढ़े आपने विटामिन के बारे में, उस सबसे
बीमारी होती है। ये जरूरी नहीं है कि ये कमासिस सिर्फ वही करे जिसको बायोलॉजी में, ये कमासिस किन्हीं को भी करने चाहिए, क्योंकि ऐसे चीज़ें हर एक लोगों को जरूरत पड़ती है। हर एक लोग इससे जाने कि कौन से विटामिन की कमी से क्या हो रही है, और किस विटामिन की कमी से जब होती है वो विटामिन मुझे कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हमने वो सब पे डिस्कस किया। और हमने ये भी देखा उसे के कारण से कौन सी बीमारियाँ होती है। तो अगर हम ये जानेंगे कि किस चीज़ों को खाने से क्या बीमारियाँ, किस चीज़ों की कमी से क्या बीमारियाँ होती है, तो हम उसे खाएंगे तो हमें उसके क्या हो जाएंगे, उसके अमाउंट पूरा होगा मेरे बॉडी में, और ऐसी बीमारियों से हम फ्यूचर में बच करके रह सकते हैं। तो आप भी क्या करें, आप और लोगों के पास इसे शेयर करें, ताकि लोग देखें और ये समझे कि चीज़ें क्या होगी। सबको समझनी चाहिए विटामिन की कमी से या फिर हमारे पास न्यूट्रिशन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, ताकि लोगों का एक प्रॉपर डाइट हो, और उस चीज़ों से जब प्रॉपर डाइट लेंगे तो ऐसी बीमारियों से वो बचेंगे। तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में लेकर के आपका इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। हमने न्यूट्रिशन लगभग क्या किए हैं कंप्लीट किए, तो न्यूट्रिशन मेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब लेकर जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।